कितने दिन हो गया ऐसे बारिश? बारिश का देखो अपने इधर क्या है कि जंगली क्षेत्र है, बारिश होती रहती है। हाँ, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। हुंडई का गाड़ी है, क्रेटा, पूरा खत्म हो गया है भाई। और ये इस स्पीड से आया है, वो दिख रहा है ना साइन बोर्ड, वैसे ही वहाँ पे है, पूरा कचुंबर बना दिया भाई। जय श्री राम भैया, जय श्री महाकाल। क्या नाम है आपका? आसिम खान। जय श्री महाकाल। क्या नाम? आसिम खान। भाई आईडी क्या? भाई हम लोग को भी लेना है यहाँ पे। जी भैया। हाँ, जहाँ पहुँच जाऊँ वहीं रुकता हूँ। नहीं यार, अभी तो बहुत समय है। और अभी वहाँ से खाना खाकर निकला हूँ, ये भैया लोगों के घर पे आया हूँ। चाय बिस्किट जिद कर रहे थे यार, लेकिन मना तो भी नहीं कर सकते हैं किसी को, है ना। इतना प्यार से अगर बुलाए तो जाना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल पिछिया मध्य प्रदेश। तो मित्रों, कल मैं रात में आकर पिछिया में रुका हूँ और मुझे एक भैया ने अपने घर में ठहरने के लिए जगह दी है यार। बहुत अच्छा लगा, भैया ने मुझे रास्ते में मिले थे। भैया पूछे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे घर अगर रुकना है तो रुक सकते हो, ऐसे करके तो मैं आ गया यार। ऐसे भी मेरे को रात ठहरना था, लेकिन भैया ने एक ऐसे टाइम पे आ गया। मैं वही सोच रहा था कि कहाँ रुकूँगा, कैसे रुकूँगा, लेकिन भैया ने आकर मुझे अपने घर में लाकर जगह दी है यार सोने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा। और अभी सुबह हो चुका है, तो चलिए अपने सफ़र पे निकलते हैं। फ्रेश हो गया हूँ, नहा लिया हूँ और अपने हनुमान चालीसा भी कर लिया हूँ, तो अब चलते हैं। तो अपने सफ़र में निकलने से पहले, ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, आप सभी को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ये है बिछिया सिटी और ये रहे भैया जी। और बारिश देखो यार, रात भर बारिश हो रहा है, रात भर, पूरे रात। मतलब मैं अभी तक 24 घंटे यहाँ पे, भैया जी बताएंगे अच्छे से बारिश कैसा होता है भैया यहाँ। बारिश यार तो दिन भर हो गया, पूरी बारिश हो रही। कितने दिन हो गया ऐसे बारिश? बारिश का देखो अपने इधर क्या है कि जंगली क्षेत्र है, बारिश होती रहती है। हाँ, मतलब छत्तीसगढ़ पता ही है। गाइस ये देखो भैया ने समोसे लाए हैं, अभी जस्ट निकलने वाले थे लेकिन भैया ने नाश्ता कराएंगे करके समोसे लाए हैं, तो ये खाते हैं फिर निकलेंगे अपने यात्रा में। अभी रिसेंटली हुआ है, कितने टाइम हुआ है भैया इसको? थोड़े टाइम पहले हुआ होगा, 5-10 मिनट तो अभी आया जिसको ऐसा। और गाड़ी के कुछ मतलब कोई जानकारी होंगे वो आए हैं। भाई खतरनाक हुआ है यार, ये गाड़ी इधर से स्पीड में आया है जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ, और सीधे जाके इसमें टकराया है। यहाँ से टकराकर इधर पलटी, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है यार। भाई इस गाड़ी में टोटल 3 लोग थे, 2 लोग को लगा है हॉस्पिटल ले गए हैं, और एक वो वाइट कलर में है ना वो भी थे, थोड़े बहुत चोट आए हैं। और अभी का ये हुआ है ये हादसा, अभी पता चला है। ये दादा ही हैवी ड्राइवर हैं, और 2 लोग को तरीका से लगा है भैया। चलो थोड़ा हेल्प करते हैं। साइड करना है यार, चलो। अब देखो गाइस पलट गया गाड़ी का, कचुंबर बन गया पूरा। हुंडई का गाड़ी है, क्रेटा, पूरा खत्म हो गया है भाई। और ये इस स्पीड से आया है, वो दिख रहा है ना साइन बोर्ड, वैसे ही वहाँ पे है, पूरा कचुंबर बना दिया है भाई। थोड़ा और हटा रहे हैं,
एक और पलटी मारो, वो देखो वहाँ पे पड़ा है। ए भाई हट जाओ, भाई हट जाओ, ओ भैया इधर से हटो। गाड़ी तो पूरा एक एक साइड से खत्म हो गया, पुर्जा पुर्जा हिल गया इसका टैंकर। गाइस मैं अब यहाँ से निकलने वाला था, ये भैया जी मिले। जय श्री राम भैया, जय श्री महाकाल। क्या नाम है आपका? कासिम खान। जय श्री महाकाल। क्या क्या नाम? असीम खान। असीम खान, सॉरी सॉरी। कहाँ से हो? यहीं मैं यहाँ से निकल रहा था, भैया जी बोले हमें भी ब्लॉग में ले लो। ठीक है भैया, खुश। बहुत लोगों का सपना रहता है यार, मतलब किसी के ब्लॉग में यार खुद का ब्लॉग स्टार्ट करें। वैसे ही भैया जी का भी सपना हो गया पूरा। हाईवे से होते हुए मंडला की ओर जा रहा हूँ, और मंडला यहाँ से 21 किलोमीटर और है, और अभी मुझे यहाँ पे भैया जी भुट्टे बेचते हुए दिखे। भैया एक भुट्टा लगाना। इस मौसम में भुट्टे मिल गया भाई खाने के लिए, मजा ही आ गया। वाह, तो अभी तो खाना वाना नहीं खाए हैं, अभी फिलहाल भुट्टे का मजा लेते हैं मौसम के हिसाब से। और अभी थोड़ा बारिश रुका हुआ है, अभी रुका है, बहुत बारिश हो रहा है इधर तो। गर्मा गर्म भुट्टे भैया, मेरी चटनी लगा दे। हाँ लगा दो लगा दो। कौन सा चटनी है? अच्छा नींबू। ठीक है ठीक है, हरा धनिया, हरा लगा दो लगा दो, जैसा देते हो वैसा दो। सो ये रहा अपना गर्मा गर्म भुट्टे चटनी के साथ। इसका आनंद यहाँ पे बैठ कर लेते हैं। वाह भाई भुट्टे भुट्टे। आईडी वही पे लिखा है भाई, हम लोग को भी लेना है यहाँ पे। जी भैया जय श्री महाकाल। भैया जय श्री महाकाल। कहाँ से हो? यहीं यहीं से। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं उज्जैन जा रहा हूँ भैया। अच्छा, अभी कहाँ से निकले आप? अभी ये हाँ मैं बेमेतरा सीजी से निकला हूँ। हाँ हाँ, कितने में कितना टाइम लगेगा? अभी तो बता नहीं सकता है यहाँ से अब कितना दूर है। अच्छा, अभी उज्जैन कितने दूर हो गए आपको आते? मैं तीन दिन हो गए, तीन दिन हो गए लगभग, 180 आ गया। 180 तीन दिन में। मेन वो चिल्फी घाटी भी पड़ा है ना। अच्छा, तो कम ही आया। आप रुकने का कैसा करते हैं? रुकने के लिए अगर कोई रुकाते हैं तो वहीं रुक जाता हूँ, या फिर मंदिर में, या फिर अपना टेंट भी रखा हूँ। खाना वाना? खाना वही ढाबे पे जहाँ पे नॉनवेज बनता है ना, वहाँ पे नहीं खाता। आज आप कहाँ रुकोगे? अभी पता नहीं भैया, मैं शाम तक मतलब 5 बजे तक शाम के। हाँ जहाँ पहुँच जाऊँ वहीं रुकता हूँ। रुक लो। नहीं यार अभी तो बहुत समय है। हाँ अभी बहुत समय है। चलो चाय वगैरह। भुट्टे खा रहा हूँ यार मौसम के हिसाब। नहीं नहीं बस भाई ये खा रहा हूँ। पैसे तो नहीं दिए ना? अभी दूंगा ना मैं। अरे चलो चाय, चलो चलो चाय। नहीं इनके लिए चाय ला दे रहा ना। ठीक है ना, ठीक है चलो। सो तो फनी बस आज का मेरा खाने का व्यवस्था ये भाई ने किया है। क्या नाम है भाई आपका? और ये कौन सा गांव है? अजनिया मध्य प्रदेश। तो यार मैं वही सोच रहा था हाईवे में भुट्टे खाने के टाइम, और भैया जी वहीं पे मिले थे तो अपने घर ले गए, और माँ ने मतलब माता ने बहुत अच्छे से मैं मुझे व्यवहार से यार खाना खिलाए, पूड़ी और सब्जी खाया हूँ। और अभी वहाँ से खाना खाकर निकला हूँ, ये भैया लोगों के घर पे आया हूँ। चाय बिस्किट जिद कर रहे थे यार, लेकिन
मना तो भी नहीं कर सकते हैं किसी को, है ना। इतना प्यार से अगर बुलाए तो जाना ही चाहिए। कैसे भैया, क्या नाम है आपका? सुजल पटेल। आपका भैया? दिवांश भैया। आपका भैया? आप सभी को जय श्री महाकाल। अब अपन को तो फिर से मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सी यू अगेन। अगर महादेव का आशीर्वाद रहेगा, इच्छा रहेगा, तो जरूर मिलेंगे। ठीक है भाई, है ना। सो तूफानी बस, आज का मेरा खाने का व्यवस्था ये भाई ने किया है। क्या नाम है भाई आपका? और ये कौन सा गांव है? अजनिया, मध्य प्रदेश। तो यार मैं वही सोच रहा था हाईवे में भुट्टे खाने के टाइम, और भैया जी वहीं पे मिले थे तो अपने घर ले गए। और माँ ने, मतलब माता ने, बहुत अच्छे से मैं मुझे व्यवहार से यार खाना खिलाया, पूड़ी और सब्जी खाया हूँ। और अभी वहाँ से खाना खाकर निकला हूँ, ये भैया लोगों के घर पे आया हूँ। चाय बिस्किट जिद कर रहे थे यार, लेकिन मना तो भी नहीं कर सकते हैं किसी को, है ना। इतना प्यार से अगर बुलाए तो जाना ही चाहिए। कैसे भैया, क्या नाम है आपका? सुजल पटेल। आपका भैया? दिवांश भैया। आपका भैया? सुयस पीटी। आप सभी को जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अब अपन को तो फिर से मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सी यू अगेन। अगर महादेव का आशीर्वाद रहेगा, इच्छा रहेगा, तो जरूर मिलेंगे। ठीक है भाई, है ना। कल मैं मध्य प्रदेश में एंटर हो गया था, और मध्य प्रदेश में एंटर होने से पहले चिल्फी घाटी स्टार्ट हुआ था चढ़ने का, तब से पानी पानी पानी, पूरे दिन पानी, और आज भी पानी। अभी जाके मैं मंडला, 20 किलोमीटर बाकी है मंडला पहुंचने वाला हूँ, और अब जाके बारिश रुका है। ये देख सकते हो इधर की वादियाँ, क्या सीन है भाई। सो आज का रुकने का व्यवस्था मंडला में ही करना पड़ेगा, क्योंकि शाम हो गया है यार, और आज की बारिश बहुत तेज बारिश था, इसीलिए थोड़ा कम आज राइडिंग हुआ है, और टाइम में भी निकला हूँ सुबह से। जय श्री महाकाल। सुबह भी टाइमिंग गड़बड़ा गया, 11 बजे मैं जहाँ पे रुका था भैया के यहाँ, वहाँ से निकला हूँ। बारिश तो रुक ही नहीं रहा था यार, पूरे रात बारिश, दिन बारिश, सुबह बारिश, हर टाइम बारिश बारिश। कन्हारी पहुंच गया हूँ। कन्हारी से कितना किलोमीटर है मंडला वो तो पता नहीं अभी। हाँ, सो आज मंडला तक कवर हो जाएगा, और मंडला से आगे कल चलेंगे। अभी मंडला पहुंचते हैं, और बारिश मस्त रुक गया है, पसीने से भीग गया हूँ रेनकोट पहनकर, तो अभी सूखने लग गया है, और काफ़ी ठंडा ठंडा मस्त फील हो रहा है, पसीने से बेहाल, और हवा आए तो यार दिल को सुकून मिलता है, बहुत ठंडा ठंडा एसी टाइप का लगता है। सो चलिए फिर मंडला की ओर। गाइस मैं अभी हाईवे को छोड़कर मंडला सिटी की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है सिटी। सो मैं मंडला पहुँच गया, अभी टाइम हुआ है 6:30 हो गया है। अब देखते हैं वहाँ पे कहाँ पे रुकने के लिए बनता है। और आज बहुत कम राइड हुआ है यार, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मंडला पहुँच गया हूँ, और ये देखो माँ नर्मदे के पावन धरती पर मैं आ चुका हूँ, और रात मैं यहीं पे कोई सा भी घाट में रुकने वाला हूँ। अब जाऊँगा तभी पता चलेगा कौन से घाट में। बाकी ये पुल, यहाँ पे भुट्टे की दुकान बहुत सारे हैं, और एक वहाँ पे भैया जी वो वाले में भुट्टे खाने के लिए बुला रहे हैं। सो चलिए चलते हैं, भुट्टे खाते हैं, और बाकी ये है नर्मदा नदी। ये मंडला का मार्केट एरिया है भाई। मंडला तो बहुत बड़ा सिटी है यार, बहुत दूर से आ रहा हूँ मैं, अभी मैं एक घाट पे जा रहा हूँ। हाय
गाइस मैं अभी खाना खाने के लिए होटल में आया हूँ अन्नपूर्णा भोजनालय में। तो मेरा खाना आ चुका है, खाता हूँ। आज का रात मंडला में बिताने के लिए मुझे रूम मिल चुका है। यहाँ के बजरंग दल वाले भाई जी मुझे मिले थे रास्ते में, तो उन्होंने एक आश्रम में मुझे रूम दिए हैं रहने के लिए आज के लिए। तो मैं खाना भी खा लिया हूँ और अभी रूम आ गया हूँ। और पूरा मतलब मेरा लगेज वगैरह सब भीग चुका था। आज का बारिश बहुत है यार, कल से बारिश बता रहा हूँ, भयानक बारिश है मध्य प्रदेश में। अभी सारा सब चीज बिखरा पड़ा है, मेरा सामान सब गीला हो गया है। तो चलिए यार, दो दिन से अभी सोया नहीं हूँ, मतलब जब से मैं निकला हूँ ना तो कवर्धा में सोया था। तो आज यार बहुत मतलब बहुत कम राइड हुआ है, क्योंकि बारिश के कारण राइड ही नहीं हुआ है। मुश्किल से बिछिया से मैं मंडला आया हूँ, 85 किलोमीटर आज का राइड हुआ है। कोई नहीं, कल कवर करेंगे, ठीक है। 50 किलोमीटर भी आया हूँ, बहुत आ गया है भाई। जैसे भी भीगते भीगते, आज का बारिश बहुत ज़्यादा हार्ड था यार, बड़ा बड़ा बूंद, बड़ा बड़ा। कैसे भी हम करके आ गए हैं मंडला तक, और हम उज्जैन बहुत जल्दी जाएंगे, ठीक है, पहुँचेंगे बाबा के धाम पे। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव, और अब कुछ गलतियों हो तो उसको भी कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ अच्छी अच्छी बातें कमेंट में भी बताना। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे, बाय।